की कृति खरे बिनु निमी अजय डिंपल पूजा अजय दीपेश दीक्षा सौम्या विनोद आस्था आकाश ऑल द पीपल आउट वेलकम यू टू द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है नाउ जस्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये जो सेशन है अगेन इट्स गोइंग टू बी एडिंग मैसिव वैल्यू टू ये आपकी जो प्रेपरेशन है उसमें काफी वैल्यू एडिशन का ये काम करने वाला है हमेशा की तरह तीस मार्क हाँ एक सीरीज जो आपके कंटेंट में वैल्यू ऐड करने की एक बहुत अमेजिंग सीरीज है एज यू ऑल नो तीस दिन तीस टॉपिक तीस क्विजिस एंड टूडे इज डे फाइव डे फाइव जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोस्टल इंडिया की आइलैंड्स की भारत का जो एक तटवर्ती एरिया है क्या डिस्टेंस है किस स्टेट का कौन सा डिस्टेंस है कौन सी टॉप पे है हर एक चीज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे विल टॉक बर्ट लक्षदीप विल टॉक अबाउट कच्चा थीवू विल टॉक अबाउट न्यू मूर आइलैंड विल टॉक अबाउट अंडमान एंड निकोबार अलॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू डिस्कस एंड टॉक अबाउट इन दिस पर्टिक्युलर सेशन सो जो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभी मेक श्योर यू ऑल आर हिटिंग द लाइक बटन एंड शेयरिंग द सेशन लाइक चलो ना भी करो लेकिन सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए मेक श्योर यू आर शेयरिंग दिस सेशन सो दैट आई एम एबल टू कंटिन्यू द सीरीज बाइट इट इज ओनली बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर सपोर्ट दैट वी विल भी कंटिन्यू इंग दिस पर्टिकुलर सीरीज बाइक

कि आपके एक वैल्यू एडिशन होना चाहिए तैयारी में क्लियर थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यू हैव शोन टिल नाउ एंड आगे भी इस तरह से हम लोग करते रहेंगे नाउ बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेडअप हमेशा आपकी तैयारी के साथ है चाहे तीन महीने मतलब छः महीने बारह महीने या अठारह महीने की सब्सक्रिप्शन हो यू गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट कल मैंने होमवर्क दिया था आठ बजे वाली क्लास में आई डोंट नो कितने लोगों ने उसको सीरियसली लिया लेकिन मैं बताना चाहूंगा कुछ लोग हैं जिन्होंने उसको सीरियसली लिया वो लोग हैं प्रज्वल भावना मिसल अजय परिता लक्ष्य देन यूर गुड जामिनी देन कोर्स नेहा इज तनुजा निशु श्रुति शुभम एंड मिताली सो यू गाइज हैव डन ब्रिलियंट जॉब होमवर्क था सिंपल था सो नाउ दिस इज गॉन बी द ट्रेडिशन फ्रॉम नाउ ऑन आपको आठ बजे वाली जो क्लास है एट पी

एंड वो आपको इस सेशन के अंदर आके कमेंट करना है इट्स वेरी सिंपल इट्स एज सिंपल एज दैट एंड आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू इट दो मिनट का टाइम आई थिंक सब लोग निकाल सकते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चलिए कोई बात नहीं इट्स ओके इफ़ यू हैवन डन द होमवर्क नॉट एन इशू हम लोग बात करते हैं इंडिया की इंडिया की जब मैं बात करता हूँ वी हैव गॉट दिस कोस्ट एंटायर कोस्ट लाइन वी हैव गॉट इन इंडिया एंड उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है And शायद यही एक रीजन है हम लोग ये सेशन कर रहे हैं यहाँ पे वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर सेशन बिकॉज ऑफ दैट ओनली अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट आता है कि सर कोस्ट लाइन हमारी कितनी बड़ी है नाउ लेट मी फर्स्टली एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू दैट हमें वही डेटा लेना है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें देती है वी डोंट हैव टू टेक एनी रैंडम डेटा पहले तो आप ये दिमाग में रखिएगा जो भी डेटा आप लेंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का ही डेटा होना चाहिए बिकॉज एटलीस्ट दिस इज वॉट आई डू

यहाँ पे मेन लैंड इंडिया जो है वो 5422 किलोमीटर है और जो आइलैंड्स है वो लगभग 2000 2094 किलोमीटर है तो इसको मिलाओगे आप विल गेट दिस थिंग सो ये एक फैक्ट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप अप्रोक्स याद रख लो ऐसा कुछ नहीं है एग्जैक्ट याद रखनी है अप्रोक्स याद रख लो कि हाँ सेवेंटी किलोमीटर आप याद रख लो दैट इज़ ऑलसो फाइन अप्रोक्सीमेटली कि सर पचहत्तर किलोमीटर है लेकिन पचहत्तर किलोमीटर को हज़ार किलोमीटर नहीं बना सकते या 2000 किलोमीटर नहीं बना सकते 15-16 किलोमीटर ऊपर नीचे कर सकते हैं जस्ट टू गेट अ राउंड फिगर मतलब राउंड फिगर कहते हैं ना राउंड फिगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ राउंड फिगर यू कैन डू दैट अगर आपको याद नहीं होता एग्जैक्ट दैट्स दैट्स फाइन दैट दैट्स एब्सोल्यूटली एक्सेप्टेबल आई वुड से क्लियर एनी वेज नाउ हैविंग सेट दिस पर्टिकुलर थिंग जो मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ उसको समझेगा दैट हम लोग यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की हम लोग बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार की हम लोग बात कर रहे हैं पूरी की पूरी, की, पूरी कोस्ट लाइन जो यहाँ से शुरू होती है गुजरात ऐसे पूरा ये यहाँ पे पूरा जो दिख रहा है दिस इज़ हाउ वी सी दैट सो पचहत्तर सौ किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली हमारी लेंथ है बहुत बढ़िया नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स टू माइंड इज आपके भी दिमाग में आना चाहिए वैसे तो कि सर हर एक स्टेट की क्या क्या, क्या लेंथ है फाइन पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि सर कौन कौन सी स्टेट्स है या यूटीज है जो कोस्टल उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो पहले हम बात कर लेते हैं विकॉर्ड गुजरात विकॉट महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल तो इसको लोकेट कर लो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गई गुजरात आ गई ये गुजरात आ गया देन आगे महाराष्ट्र देन आ गया गोवा ये देखिए कर्नाटका केरला इस तरह से देन ऑफ अफकोर्स ये एवगॉट केरला के बाद इधर तमिलनाडु आंध्र उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल दिस इज हाउ इट इज सो हाउ मेनी स्टेट्स आर वी हैविंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन स्टेट्स वेरी सिंपल दिस इज हाउ मैनी स्टेट गॉट नाइन स्टेट्स आदर सिंपली एंड देन यूटीज भी आप देख लो एक पुडुचेरी एक दमन इंदी दादर नगर हवेली है सो ये दो यूटीज हो गई दिस इज फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ इट बट पहले आप ये वाला एस्पेक्ट क्लियर कर लो अपने दिमाग में ये जो मैंने एस्पेक्ट बताया है समझ आ गया अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सर ये तो ठीक है आप ये बताओ कौन सी स्टेट की सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है कोस्ट लाइन जो पचहत्तर सौ किलोमीटर की है इसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन दे रहा है तो कौन दे रहा है बताइए हु इज़ गिविंग द मैक्सिमम योगदान इन दिस अभी तक जिसने शेयर नहीं किया इसको शेयर जरूर कर दीजिए ऑल द पीपल आउट द मेक श्योर यू आर शेयरिंग दिस अमेजिंग सेशन सबसे ज्यादा कौन है भाई बताओ सबसे ज्यादा है गुजरात ये मैं आपको बताना चाहता हूं नाउ ये जो टेबल है ये कोई ऐसा वैसा टेबल नहीं है दिस इज अ टेबल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगेन आई एम कोटिंग ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है तो इसमें एक परसेंट भी कोई गुंजाइश नहीं है खराब होने की गलत होने की यू कैन चेक दैट योर सेल्फ बिकॉज यू हैव टू बी फोकसिंग ऑन हंड्रेड परसेंट रिलायबल सोर्सेस अब ध्यान देते हैं हम लोग बात करते हैं गुजरात की तो आप क्या देखोगे ऑलमोस्ट बारह सौ किलोमीटर की कोस्टलाइन तो गुजरात ले गया बारह सौ किलोमीटर दैट्स अ लॉट लेकिन अगर आप देखते हैं स्टेट वाइज ये तो समझ आ गया आपको लेकिन आप ध्यान देना अंडमान निकोबार उसकी 1900 सौ समथिंग किलोमीटर आती है वाई क्योंकि अंडमान निकोबार आप ध्यान से देखोगे अगर मैप में इट इज मैसिव लाइक दिस फैला हुआ है सो तो जब कोई बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है तो वहां पे काफी ज्यादा कोस्ट लाइन उसकी बन जाती है छपाट

We have got other as well, लेकिन आपको तो पता ही है किलोमीटर ऑलमोस्ट एंड देनोर्स अंडमान निकोबार की हम लोग बात करते हैं भैया कोको आइलैंड की हम लोग बात नहीं करेंगे कुनाल हम लोग यही बात करेंगे अपने जो से. Is that, is that so, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आकाश अभी तो स्टार्ट हुए बेटा लेक्चर एट डिग्री भी बताएंगे सब सारी डिग्रीज बता देंगे डोंट वरी अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड द लेक्चर ना थोड़ा सा संयम रखिए और आपको हेल्प मिलेगी सो इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू नाउ हैविंग सेड दिस पर्टिकुलर थिंग एक चलो क्लैरिटी तो हमें मिल गई है अब मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी हम लोग बात करते हैं कोस्टल एरिया जो है या कोस्टल जो प्लेन्स है वो भी बहुत बढ़िया हमारे लिए एक एग्रीकल्चर का सोर्स साबित होते हैं दिस इज टू अंडरस्टैंड फाइन तो अल्टीमेटली मैन हैवी टॉक बट द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया वी कोस्टल प्लेस वी हैव गॉट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्टर्न घाट्स हम लोग इंडिया में बोलते हैं घाट्स सो वील बी टोकिंग अबाउट बोथ विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक आइडिया क्या है यहाँ पर यह जानना जरूरी है हाँ जी अंजलि बिल्कुल हुआ आप खुद देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो आपको पता चल जाएगा माई बेसिक जॉब ऑस टू टेल यू की सीनाओ क्या है किस तरह से हम लोग इसको जज कर रहे हैं किस तरह से हम लोग इसको समझ रहे हैं फाइन सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट देखिए मिनिमम जनरली नहीं पूछता है बट अगर आप पुडुचेरी को देखोगे सिर्फ थर्टी है उसका वो तो आपको पता ही होगा हाँ अगर कभी भी मतलब इस तरह से आपको देखना है तो आप आपको आप देखें गोवा तो देखिए छोटी स्टेट है ही है ये तो कॉमन सेंस है चलिए आप ध्यान से देखिएगा हम लोग कई बार बात करते हैं इंडियन ओशन जो है वो साउथ में है आपको पता है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे अरेबियन सी है वी ऑल नो दैट सो वी हैव गॉट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू हाँ जी जहन जी अब यहाँ पे कभी भी हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर डायमेंशन को लेके तो मैं आपको बताना चाहूँगा दैट वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का कंसेप्ट क्या है यहाँ पे मतलब हाउ एग्जैक्टली अभी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ ऑफ देम किस तरह से हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा ऑल ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट चलिए सो आई एल प्रेजेंट अ पर्टिकुलर मैप इन फ्रंट ऑफ यू ऑल लाइक दिस हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की ये है वेस्टर्न घाट्स कैन यू सी दैट ये सो so ताप्ती वैली जो गुजरात में है जहाँ पे तापी मिलती है वहां से लेके अगर आप देखेंगे ये कहने को मतलब पूरा का पूरा एरिया जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेस्टर्न घाट बोलते हैं फाइन 21 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड से लेकर 11 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर का है ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स में हम लोग देखते हैं हाईली ब्रोकन डिटैच हिल्स है दे स्टार्ट फ्रॉम महानदी यहाँ पे उड़ीसा जो है ये एंड ये तमिलनाडु में बैगई जो है नदी यहाँ तक जाती है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए दिस इज वॉट ईस्टर्न घाट है मैंने आपको एक बेसिक ये फीचर्स इसलिए बताए ताकि एक आइडिया दिमाग में बैठ जाए क्योंकि मैंने रिवर्स तो पढ़ाई हुई है कि ईस्टर्न घाट क्या है और वेस्टर्न घाट क्या है पहले तो अब ये समझ जाओ आई होप यू हैव गॉट अ बेसिक आइडिया अबाउट दम इतना समझ आया वॉट इज ईस्टर्न घाट एंड वॉट एग्जैक्टली वेस्टर्न घाट सो वट आई बी डूइंग इज मैं यहाँ पे एक प्रॉपर मैप के सहारे से आपको ये चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा देखिएगाट मैप आई एम शोइंग टू यू यू ऑल ऑफ ये देखिएगा कैन सी दैट एवरी वन तो यहाँ पे आप देख सकते कोरोमंडल कोस्ट पे क्या है ईस्टर्न घाट्स से कोंकण कोस्ट जो है या मालाबार कोस्ट जो है वहाँ पे क्या वेस्टर्न घाट है एवरीबडी कैन सी दैट कैन यू सी दैट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स नाउ अल्टीमेटली आप कभी भी देखेंगे बिल्कुल देखिए सयाद्रीज उसका नाम ही है बेटा उसका नाम ही सयादरी है वेस्टर्न घाट को सयादरी बोल देते हैं इट इज़ जस्ट द नेम ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है अब एक चीज़ आप नोट करिएगा बहुत खास चीज़ जो मैंने आपको रिवर्स पढ़ाई आई टोल्ड यू अबाउट द रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग तो वैसे ज्यादा है भी नहीं बट आई टोल्ड यू बट द नर्मद तापी जो कि यहाँ पे फ्लो कर रही थी एंड अगर आप कभी नोट करेंगे नर्मदा तापी को दे आर नॉट फॉर्मिंग मैसि डेल्टाज वो क्या बनाती है एश्चुअरीज एश्युअरी मतलब होता है कि ज्यादा फैला हुआ पोषण नहीं होता थोड़ा सा रॉकी एरिए को काट के रिवर जब समुद्र को मिलती है दैट इज नोन एज एश्चुअरी सो वाई एक्जैक्टली इज इट हैपनिंग वाई एग्जैक्टली इज डेल्टा नॉट बींग फॉर्म उसका एक कारण है यहाँ पे बहुत पथरीला एरिया है ये इट्स इत, इट्स ए वेरी रॉकी एरिया जब ये बहुत ज़्यादा रॉकी एरिया है तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझोगे कि जो रिवर है जब वो जाके समुद्र को मिल रही है तो वो रॉक्स को काट के वो ज़्यादा तो नहीं काट पाएगी ज़्यादा चौड़ा नहीं बना पाएगी लेकिन वही अगर आप यहाँ पर देखोगे ईस्टर्न घाट्स में सो तो इट्स स्लाइटली ब्रोकन इट्स स्लाइटली सॉफ्ट और वहाँ पर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े डेल्टास बनते हैं इवन जो स्लैंटिंग भी है वो इस तरह से है तो आप देखोगे मैक्सिमम रिवर्स चाहे वो गंगा है चाहे वो ब्रह्मपुत्र है चाहे वो आप देखोगे गोदावरी कृष्णा कावेरी दिया ऑल फ्लोइंग टू दिस साइड सो आपको ये आइडिया बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए दैट जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो ईस्टर्न घाट की तरफ आ रही हैं वो डेल्टा बनाती हैं आप कोई भी देख लो यहाँ पे कृष्णा गोदावरी के जी बेसन है कृष्णा गोदावरी डेल्टा यहाँ पे गंगा का बहुत बड़ा डेल्टा है कावेरी थोड़ा सा डेल्टा बनाती है यहाँ पे इस साइड पे यू विल हैव डेल्टास बट ऑन दैट टाइज यू विल नॉट हैव डेल्टाज एक्ट क्लियर सो आई थिंक मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी यू ना आई शोड यू अबाउट गंगा डेल्टा का सेटेलाइट व्यू तो कैसे हम लोग सेटेलाइट से जब इमेजेस देखते हैं तो उससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है एंड दैट वॉज द रीजन आई शोड यू दैट कि बहुत ज्यादा एक बड़ा जो एरिया है वो रिवर लेगी ड्रेन होने के लिए विच इज़ नॉट हैपनिंग इन द अदर केस एग्जैक्ट क्लियर ऑल ऑफ यू सो so, ये थोड़ा सा अगर आपको आइडिया इट इज़ हेल्प इट विल हेल्प यू अर लॉट नाव आई टॉक यू आई टॉक टू यू अबाउट हाँ जी देखिए वेस्टर्न घाट्स में बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी तो है ही है इसमें कोई शक नहीं है मैंग्रोव्स बहुत है इंडिया में मैंग्रोव आई एम श्योर आपने देखा होगा इस तरह के ये देखे है कभी आपने टीवी में दिखाते हैं मैंग्रोव्स इस तरह से होते हैं नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मैंग्रोव्स चाहे वो गुजरात है सुंदरबंश महानदी कृष्णा अलग अलग जगह पर मैंग्रोव्स आपको देखने को मिलते हैं नाउ मैंग्रोव्स हैं क्या आर लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम दे कंसिस्ट ऑफ ऑफकोर्स एवर ग्रीन फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन ही रहते हैं एंड लो लाइंग ट्रॉपिकल एरियाज़ सब ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं आठ से बीस मीटर का होगा ये और ये कोस्ट के ऊपर ही रहेगा हमेशा कोस्ट पे यहाँ तक कि इनमें इतनी ज्यादा एक इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है दैट दे विल भी एबल टू ग्रो एवर इन दॉल्टी वाटर जो ब्रैकिश वाटर होता है ना सोल्टी वहाँ पे भी ग्रो कर जाते हैं और सांस लेने के लिए दे है वेरी नाइस रूट नोन एज न्यूमेटोफोर्स ये क्या है न्यूमेटो फोर्स ये देखिए तो ये क्या है ये सांस लेने के लिए पानी से बाहर आ गई है सो अल्टीमेटली लाइफ ऑफ द पाई में भी आपने देखा होगा इन अ लॉट ऑफ न्यूज इट इन अ लॉट ऑफ मूवीज इट हैज़ बिन शोन तो ये क्या कर रहा है बेसिकली मतलब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे दैट इनके बहुत ज़्यादा फंक्शन है फंक्शन एज इन इनका बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है मैं बोलना चाहूंगा मैंग्रूवस हैव गॉट मैसिव यूटिलिटी इन दिस एरिया जो कोस्टल एरिया स्पेशली वहाँ पे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द यूटिलिटी एवरी वन ये देखिएगा ना दे आर द वन गोइंग टू स्टेबलाइज द कोस्टल शोर्स ये ब्रीडिंग ग्राउंड फिशेज को देते हैं बहुत बढ़िया मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है आप देखोगे मॉडरेट मॉनसूनल फ्लड्स यहाँ पे हम देखते हैं एनी वेज दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सोनामी आप देखेंगे यहाँ पे वुड मिलती है फायर वुड मिलती है सब कुछ मिलता है काफ़ी सारे हर्ब्स भी मिल जाते हैं सो so, जो मैंग्रोवस हैं दे आर गोइंग टू बी अ गार्चियन दे आर गोइंग टू बी अ प्रोटेक्टर फॉर द कोस्टल एरियाज कोई भी मैसेजेंट चलती है तो उसके बीच में एक बैरियर बनाते हैं ये सो मैंग्रोव का कोस्टल एरिया में होना एक बहुत अच्छी चीज़ इसलिए मानी जाती है बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प lot. ये काफी ज्यादा हमें हेल्प करते रहेंगे काफ़ी सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करते रहेंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ एवरी वन समझ आ गए इतना मैंग्रोव्स so के बारे में एक आइडिया मिला सबको सो so, क्वेश्चन आता है व्हाट इज नोमटो किससे एसोसिएट करता है तो यू शुड बी नोइंग कि भाई नोमैटो तो मैंग्रोव से एसोसिएट करता है दैट्स इट दिस इज व्हाट यू गॉट टू अंडरस्टैंड एवरीवन चलिए आई थिंक इट्स फाइन इट्स ऑल क्लियर टू यू ऑल नाउ वी टॉक अबाउट दिस ब्यूटिफुल थिंग दे आर वॉट दे आर कोरल्स मूंगा हिंदी में वी कॉल द मूंगा इंग्लिश में वी कॉल दूरल्स ऑल ऑफ यू ऑल द पीपल वॉचिंग द सेशन मेक श्योर यू आर ऑल लाइकिंग एंड शेयरिंग द सेशन बिकॉज एट ओ क्लॉक इसका क्विज भी होने वाला है ऑन द ग्रेटअप ऐप एज यू ऑल नो ये मूंगा बोलते हैं इसको मूंगा कोरल्स की जब बात आती है यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इंडिया के अंदर कई जगह पर कोरल्स है ऐसी बात नहीं कि नहीं है वी एव गॉट कोरल्स एट वेरियस प्लेसेस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ गल्फ ऑफ कच गल्फ ऑफ मन्नार फाइन यहाँ पे देन अंडमान निकोबार के अंदर बहुत सुंदर कोरल्स हैं लक्षदीप में भी अगर तो कोरल्स मलवान महाराष्ट्र में भी अगर तो कोरल्स एट वेरियस प्लेस भी अगर तो कोरल्स स्पेशली लक्षदीप में तो है ही हैं लक्षदीप तो जाने ही जाते कोरल आइलैंड्स के लिए बहुत ही शानदार कोरल आइलैंड्स है नाउ द आइडिया विच आई वुड लाइक टू गिव यू एज मैं अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊँ कि ये कोरल है क्या सो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के बीच का एक क्या है एक तो हम लोग देखते हैं जुजलेंथला ये है फाइन और यहाँ पे एक क्या है ये जो एल्गी है बेसिकली और यहाँ पे एक कोरल है सो तो ये दोनों क्या है एक साथ रहते हैं फाइन सो तो जुजलैंथल और जो कोरल है कोरल एनिमल ये एक साथ रहते हैं और जो कलर है वो अलग अलग होता ही है एल्गी का सो तो कोरल ब्लीचिंग अगर हो जाती है तो क्या होता है कि ऊपर की जो एल्गी है वो अलग हो जाती है और वो जो एनिमल है वो ऐसे सूखा सा रह जाता है सो सिम्बैटिक रिलेशन है एक गिव एंड टेक रिलेशन है दोनों का सो so, एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप इसको माना जाता है सो द प्रॉब्लम इज़ कि अल्टीमेटली जब भी हम लोग इस पूरे सिनेरियो की बात करते हैं जब भी ब्लीचिंग होती है तो वहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो जाता है पानी के अंदर अगर सेडिमेंट्स आ गए पानी वहाँ पे धूप वगैरह नहीं आ रही तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और इसके लिए द गवर्नमेंट हैज़ डन अ वेरी नाइस थिंग इंडिया के अंदर हमने देखा गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ वेरी नाइस स्टेप दैट इज़ नोन एज कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम इज जो है इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज उन्होंने इसको स्टार्ट किया है नाउ दे आर यूजिंग सेटेलाइट डेटा टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर थिंग कितना स्ट्रेस है सारी चीजें कैसी हैं वो सारा ये चेक करते रहते हैं क्लियर सो पॉइंट फिर से वही आता है कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को जान रहे हैं कैसे हम लोग इन चीजों को देख रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है सो so, मैंग्रोव्स तो सुनामी से बचा रहे हैं देखिए कोरल की तो एस्थेटिक वैल्यू है कोरल इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ़ फॉर अ लॉट ऑफ फिशेस बहुत सारे जो हमारे फिशेस हैं वहाँ पे आके रहती हैं तो हमें उसको एक फ़ायदे की नज़र में एज सच नहीं देखना है बट हमें किस तरह से देखना है हमें एक लॉन्ग टर्म आस्पेक्ट से उसको देखना है वी हैव टू सी इट इन अदर आस्पेक्ट ऑलवेज बिकॉज देखो कुल मिला के अगर आप इसको एक इको मतलब उस एस्पेक्ट से देखोगे बायोडावर्सिटी के एस्पेक्ट से देखोगे तभी जाके आप इसको समझ पाओगे नहीं तो आप इसको नहीं समझ पाओगे दैट्स अ फैक्ट सो ये एक देखने का इसको नजरिया है जिसको हमें बदलना पड़ेगा हमेशा चलिए नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग हमें चलिए कोरल के बारे में एक बेसिक आइडिया मिल गया मैंग्रोव के बारे में बेसिक आइडिया मिल गया नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आइलैंड्स ऑफ इंडिया आइलैंड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं आइलैंड्स हम लोग कई बार बोलते हैं टापू आइलैंड नाउ

या किस आइडिया को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं किस आइडिया को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर लक्षद्वीप तो इंडिया की सबसे छोटी यूटी भी है आई थिंक आपको शायद पता भी होगा एंड अल्टीमेटली उस परस्पेक्टिव को आगे लेकर चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट परस्पेक्टिव इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सो आई ट्राई टू गिव यू अ वेरी क्लियर आइडिया कितने आइलैंड हैं लक्षद्वीप में इसकी भी जो डिबेट हुई हुई है उसको आज हम लोग शांत कर देंगे कि क्या कितने आइलैंड है सर बिकॉज़ आई एट टाइम्स यू नो गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि मतलब छोटी छोटी जो चीज़ है वो कई बार डिबेटेबल हो जाती है सो so मतलब उसको देखना बहुत ज़रूरी है सो so, लक्षदीप की जो ऑफिशियल साइट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फोम ऑफ फेस पूरी डिज़ाइन करती है वहीं से हम लोग हर चीज़ को पिक करेंगे एंड वी आर गोइंग टू हैव अ क्लियर कट परस्पेक्टिव फ्रॉम देयर ओनली सो डोंट वरी अबाउट इट हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से इसको जानने वाले हैं चलिए सो so, सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं एक बार अंडमान निकोबार की उसके बाद हम लोग लक्षद्वीप की बात करेंगे उसके बाद मैं कच्चा थीबू या न्यू मूर आइलैंड उनके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा विल टॉक अबाउट दोज एज वेल कच्चा थीबू की क्या कहानी है इवन पंबन आइलैंड की क्या कहानी है न्यू मूर आइलैंड की क्या कहानी है सो वी वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ क्लियर कट आइडिया अबाउट ऑल दीज स्मोल बिकॉज देखिए अल्टीमेटली पॉइंट यही है हमारा कि सबसे बेसिक आइडिया क्या है या क्वेश्चन किस चीज़ पर आता है फाइन अगर मतलब आपको ये आइडिया मिल गया देन स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू उसमें तो कोई बात ही नहीं है सो so आपने हमेशा इन पर्टिकुलर चीज़ों को ध्यान में रखना है इन पर्टिकुलर चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है तभी जाके आपको फ़ायदा है पढ़ने का समझ आया ये जितनी भी क्लासेस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं दीज क्लासेज आर फ्यूटाइल इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिटेन दीज थिंग्स चलिए अब अंडमान निकोबार से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अंडमान निकोबार एक चेन है आइलैंड की आपको तो पता ही है बे ऑफ बंगाल में है और यहाँ पे दो मेन आइलैंड है हमारे पास एक अंडमान आइलैंड है एक निकोबार आइलैंड आई थिंक इतना तो सबको पता ही है एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ दिस पैक वी हैव गॉट अंडमान आइलैंड एंड वी हैव गॉट निकोबार आइलैंड नाउ हैविंग सेड दिस पर्टिकुलर थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कई लोग इग्नोर कर देते हैं वो है कि यहाँ पे इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द नेचर इट इज ऑल्सो अबाउट द कल्चर ऑफ अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे आपको इसके कल्चर को भी समझना है बिकॉज एक एग्जॉटिक कल्चर जो है अंडमान निकोबार का बिकॉज ऑफ द ट्राइब्स एंड ऑल वो कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार को एक अलग ही पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं और ये पर्सपेक्टिव जो है आपको सबको वो एक प्रॉपर तरीके से देखना ज़रूरी है क्लियर सो so, जब भी हम लोग बात करते हैं चलिए अंडमान निकोबार तो आपको पता ही है वी गॉट टू टॉक अबाउट अंडमान्स एंड वी हैव गॉट टू टॉक अबाउट द जो निकोबार्स है उसके बारे में भी हमें बात करनी है सो so, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एक डिस्कशन होने वाली है सो आई वुड लाइक यू ऑल टू मेक श्योर यू नोट एवरीथिंग डाउन प्रॉपरली आप हर चीज को प्रॉपरली नोट डाउन करते रहें ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चलिए सबसे पहले हम लोग कई बार बात करते हैं जब भी तो आपको एक चीज़ तो पता ही होगी अंडमान निकोबार के बारे में दैट दे आर एक्सटेंडिंग फॉर डिस्टो ऑलमोस्ट सिक्स हंड्रेड किलोमीटर्स ऑलमोस्ट छः सौ किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे देखने को मिलता है अंडमान आइलैंड जो है ये तीन हिस्सों में डिवाइड होते हैं नॉर्थ मिडल और साउथ अंडमान आई थिंक आपको पता होगा द ग्रेट अंडमान ग्रुप ऑफ आईलैंड इन द नॉर्थ इज सेपरेटेड बाई टेन डिग्री चैनल फ्रॉम द निकोबार ग्रुप और पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में लाई करता है मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है वो एक मैप के माध्यम से दिखाना चाहूँगा बिकॉज आई थिंक दैट इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट वे इन विच वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स इन द राइट मैनर वो एक समझने का एक तरीका आई थिंक बेस्ट होता है सो हैव अ लोक एट बेस कैन यू सी दैट सो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है ऊपर क्या है अंडमान्स नीचे क्या है निकोबार्स अंडमान निकोबार को कौन डिवाइड कर रहा है टेन डिग्री चैनल पहले तो आप ये जानिए टेन डिग्री चैनल के बारे में सबको दिख गया ये वॉट इज डिग्री चैनल सिंपल नाउ अल्टीमेट आइडिया जो हमें यहां पे समझ आता है वो ये है कि टेन डिग्री चैनल पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं सो so, पहले तो मैं यहां पे हाईलाइट भी इसको कर देता हूं कि ये जो डिविजन हो रही है टेन डिग्री चैनल से हो रही है अब देखिए

थोड़ा सा इसको और जूम करके आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिल जाए आई एल जूम इट फॉर यू हा बोलो बेटर एवरी वन अब इसको बहुत ध्यान से देखते हैं हम लोग देखिए ध्यान से नॉर्थ अंडमान है मिडल अंडमान है साउथ अंडमान है लिटल अंडमान है सो so, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं वो क्या है दैट पोर्ट ब्लेयर कहां पर साउथ अंडमान में है अंडमान निकोबार को टेन डिग्री चैनल ने सेपरेट कर दिया और साउथ अंडमान लिटिल अंडमान के बीच में क्या है ये डंकन पैसेज है ये बहुत क्लियर मैप है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा नाउ वी हैव गॉट वेरियस आइलैंड्स ओवर देयर अंग्रेजों ने बहुत आइलैंड्स बसाए थे उनमें है हैवलॉक आइलैंड नील आइलैंड एंड रॉस आइलैंड ये हमारे पास तीन बहुत इंपॉर्टेंट आईलैंड है इनको हमने बाद में क्या किया कि रीनेम किया जैसे हैवलॉक को क्या नाम रखा गया स्वराज द्वीप नील आइलैंड का क्या नाम रखा गया शहीद द्वीप और रॉस आइलैंड का नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी इसको याद रखने के भी तरीके हैं जैसे रॉस आइलैंड रॉस आइलैंड को कनेक्ट करो बोस से जैसे कहते हैं ना रॉस बोस बोलिए बोस इज इक्वल टू रॉस ऐसे सो बोस रॉस बोस रॉस करके आप यहां पे बता सकते हैं फाइन अब हम लोग क्या देखते हैं हैव लॉक सो हमने लॉक को तोड़ा हमने हैव लॉक को तोड़ा लॉक को तोड़ने के बाद हमें क्या मिला स्वराज मिला सो लॉक को तोड़ने के बाद स्वराज मिला सो हैव लॉक का क्या हो गया फाइन और so, so, is सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रॉस बोस लॉक को तोड़ के क्या मिला स्वराज मिला तो को तोड़ के क्या मिला स्वराज मिला एंड एक जो बच गया दैट इज नील दैट इज स्वराज दैट क्लियर सो ये बोलने का एक तरीका है मतलब दैट दैट इज इज अ वेरी नाइस निमोनिक आई फील यू कैन फाइंड इट वेरी मच यूजफुल समझ आ गया इतना लॉक को तोड़ के स्वराज बॉस इज इक्वल टू रोस और नील इज इक्वल टू शहीद कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है सो आई डोंट थिंक आपको ये प्रॉब्लम होनी चाहिए आपने तो पता होगा पोर्ट ब्लेयर के पास है ये सेंटिनल आइलैंड जहां पे एक क्रिश्चियन मिशनरी मारा गया था सेंटेनलीज रहते हैं यहाँ पे क्लियर सो so, ये जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वी ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव टू हैव अ गुड डील ऑफ आइडिया अबाउट इट एक प्रॉपर आइडिया होना ज़रूरी है ठीक है अब देखिए कई बार हम लोग बात करते हैं कोको आइलैंड की बिल्कुल जब हम बात करते हैं कोको आइलैंड कोको आइलैंड किसके अंडर आता है बताइए आपको तो पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखिए अंडमान इकोबार आइलैंड को ले ही लिए थे और कोको आइलैंड जो है मेनली फूड वगैरह इसमें होता था ज़्यादा लोग वैसे रहते नहीं है तेरह सौ लोग रहते हैं दैट इज़ बिलोंगिंग टू यंगून म्यन्मार तो ये ये जो यहाँ पे आइलैंड है ना कोको कोको को आइलैंड ऊपर कोको चैनल के ऊपर आइलैंड तो कोको आइलैंड इज ऑफ म्यन्मार ये याद रखिएगा म्यन्मार सो तो यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोको आइलैंड जो है हमारा नहीं है एवरी वन नोज राइट तो उसके उसको लेके कोई डिबेट भी ऐसा नहीं है म्यन्मार के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है आप ये सोच लो म्यन्मार की नेवी के पास एक भी सबमरीन नहीं थी तो वो इंडिया के पास आए कहते भाई सबमरीन दे दो तो इंडिया ने सबमरीन दे दी पता है कि नहीं तो अब म्यांमार के पास सिर्फ एक ही सबमरीन है वो भी इंडिया की जो तीस साल पुरानी सबमरीन है सो so, ये बात याद रखिएगा म्यांमार नेवी के अंदर जो सबमरीन है वो हमारी ही दी गई सबमरीन है सो आई आई रियली होप यू ऑल नो दैट हालांकि उसमें भी वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल है जो हमने मतलब यहाँ पे देखना है वो वो मैं कभी और आपको बताऊंगा फाइन अच्छा कौन सी सबमरीन थी कोई बताएगा मुझे विथ सबमरीन आई एम आई टॉकिंग अबाउट बताओ वेरी नाइस सो इट इज सिंधु हाँ 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 सिंधु घोष देखिए अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए जब हम इस क्लास की बात करते हैं डिफरेंट थिंग लेकिन यहां पे जो सबमरीन है उसका नाम क्या था सिंधुवीर बिल्कुल देखो सिंधुवीर सबमरीन और अब तो उसको आई थिंक क्या बोलते हैं मिनी आई बोलते हैं वहां पे अभी हमने गिफ्ट किया था 2020 सो so एनीवेज आपको ये समझ आ गया सबको सिंधु वीर ये क्लियर हो गया एवरी वन इज वेरी मच वेल अवेयर ऑफ दिस पॉइंट जो मैंने आपको बताया है अंडमान के बारे में कि किस तरह से हम लोग इस चीज को देखते हैं ऑल ऑफ यू नाउ सिंस अंडमान इज वेरी मच क्लियर वी आर गोइंग टू मूव आर डिस्कशन टूवर्ड्स निकोबार निकोबार की तरफ हम लोग जाएंगे निकोबार को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे चलिए नाउ I'll आई give गिव यू मैप पहले बाद में हम और बड़ा मैप देखेंगे पहले आप ये देखिएगा जब भी हम लोग देखते हैं इस सिनेरियो को तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि निकोबार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे अब अमंग द निकोबार आइलैंड ग्रेट निकोबार फोर्स इज द लार्जेस्ट ये ग्रीट निक, ग्रेट निकोबार है बहुत बड़ा है पता होगा आपको कार निकोबार सबसे ऊपर है ग्रेट निकोबार यहाँ पर है उसके नीचे ग्रेट चैनल है बीच में एक और सौमर्यो चैनल है वो इतने नहीं है आपको एक बात याद रखनी बोलता है आइलैंड अड अप ऑफ सैंडस्टोन लाइम स्टोन शेल ये सारी चीज़ें हैं सिमिलर टू हिमालयास नाउ एक चीज याद रखिएगा मैं आपको हाईएस्ट पीक बता दूंगा आपको सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक विल टॉक अबाउट दैट एज वेल सो यहाँ पे एक बड़ी खास चीज़ है कमरूटा आइलैंड की बात होती है चौरा आइलैंड की बात होती है कच्चल आइलैंड की बात होती है लिटिल निकोबार ये सारे निकोबार की चेन में आते हैं नो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द सैडल पीक पता है आपको ये सैडल पीक जो है नो वैन वी टॉक पर सैडल पीक एक हाईस्ट पॉइंट है ये मतलब ये सेवन थर्टी वन मीटर ये ज़्यादा नहीं है सेवन थ्री वन मीटर ही है इसकी हाइट सैडल पीक की तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड यहाँ पे सैडल पीक नेशनल पार्क भी इसके अराउंड एंड इट इज़ द हाईस्ट पॉइंट वैन वी टॉक दैट यहाँ पे हाइएस्ट पॉइंट है ये सो ये आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ सो सैडल पीक की या बात हो रही अच्छा बैरन आइलैंड के बारे में बता देता हूँ ये मैंने पहले भी बताया था इट इज़ एक्टिव वॉल कैनो Island is active volcano. अब कई बार बात आती है देखिए इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट यहाँ पे ग्रेट इकोबार की एकदम नीचे है इंडिया का सबसे सदर मोस्ट पॉइंट बोलते हैं ना हम लोग यहाँ यह देखिए इंदिरा पॉइंट दिस इज so, दोटे पॉइंट है मैं कोशिश कर रहा हूं क्लियर करने की ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए यू शुड भी फेसिंग एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम एपसल्यूटली क्लियर हो गया सो so, यहां पर आपको क्या समझ आया यू हैव नाउ गॉट एन आइडिया अबाउट द सैडल पिक ऑलमोस्ट सेवन थर्टी वन मीटर्स है एंड कई बार सेवन थर्टी एट मीटर भी बोल देते बट दैट इज नॉट अ पॉइंट टू बी डिबेटेड सो सबसे इम्पोर्टेंट पीक सैडल पीक ही है नॉर्थ अंडमान की हम लोग जब भी बात करते हैं यू गॉट द सैडल पीक एवरी वन ये नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक पता है आपको यहाँ पे आई आई ट्राई टू मार्केट अवर है ये यहाँ पे सैडल पीक है नॉर्थ अंडमान में इट कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन चलिए एंड देन ऑफकोर्स वी हैव गॉट माउंट साउथ अंडमान में है ट इम अलॉट ऑफ थिंग्स बट डंकन पैसेज कहाँ पे है डंकन पैसेज आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है साउथ अंडमान लिटल अंडमान के बीच में है ये क्लियर हो गया सो so, यहाँ पे टेन डिग्री चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अंडमान इको बार को डिवाइड करती है और बाकी सारी चीजें आपको पता है कोकोस चैनल ऊपर हो गई फाइन सो so, अगर आप ध्यान से देखो तो so आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि सबसे ऊपर कोको चैनल होगी सबसे नीचे हम लोग देखते ग्रेट चैनल हो गई बीच में टेन डिग्री चैनल होगी गई दैट सेट और ये डंकन पैसेज वगैरह तो है ही है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऊपर क्या है कोको -को. नीचे क्या है टेन डिग्री एंड उसके नीचे क्या है वी हैव गॉट ग्रेट चैनल ये देखिए सी टी जी जी टी सी सी टी जी इस तरह से आप याद रख सकते हैं बिकॉज एट टाइम्स आज नॉर्थ टू साउथ इसको आपको अरेंज करना है सो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू डू दैट ये आपको करने की एक क्षमता आप में होनी चाहिए ऑल ऑफ़ यू सो आई एम श्योर अंडमान निकोबार का जो इतना एनालिटिकल एंगल हमने लिया है काफ़ी बार तो ये नहीं लोगों को समझ आता है कि किस तरह से सब देखना है इसको सो आईव जस्ट राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव यू गुड परस्पेक्टिव ऑफ अंडमान एंड निकोबार्स फाइन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं तो ये हमने एक आईलैंड एक आइडिया हमने ले लिया है चलिए नाउ हैविंग सेड दैट हम लोग बात करते हैं अब किसकी लक्षदीप आइलैंड की सबसे पहले तो मैं डिबेट सेटल करना चाहता हूँ सबसे छोटी यूटी है इट हैज़ गॉट थर्टी सिक्स आइलैंड बहुत बहुत बार पूछते हैं सर कितने आइलैंड हैं थर्टी सिक्स देखिए प्रॉब्लम यही होती है कि कुछ आइलैंड ना पानी के अंदर चले जाते हैं कुछ बाहर आ जाते हैं ऐसे हो जाता sure है बट यू आर गोइंग टू कंसिडर दिस थिंग फॉर श्योर दैट छत्तीस आइलैंड हैं हमारे पास कितने आइलैंड हैं थर्टी सिक्स तो ये डिबेट नहीं होनी चाहिए कभी भी आई आई ऑनेस्टली डोंट वॉन्ट दैट डिबेट कि भाई किस तरह से हम इसको देखते हैं फाइन So, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में सो so आपको सबसे पहले तो एक चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि यहाँ पे वी हैव गॉट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन द फॉर्म ऑफ इट्स लोकेशन इट्स ब्यूटी बहुत सुंदर ब्यूटी है और काफ़ी सारे लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं अलॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू गो व कोरल आइलैंड्स है बहुत ही सुंदर है यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि पानी बहुत साफ रहता है उसकी वजह से ना वाटर इज़ वेरी वेरी क्लीन आई आई ट्राई टू शो यू इफ़ यू हैव अ लुक सो डीव्स वगैरह से ज़्यादा सुंदर है लक्षद्वीप ये देखिए अभी गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी लिए हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोट करने के टूरिज्म बट देन देर वॉज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट तो दैट्स अब विच इज़ गॉट ऑलमोस्ट नाइनटी नाइन परसेंट पीपल वॉर मुस्लिम्स सो थोड़ा सा कल्चरल एंगल जो है वो आ जाता है यहाँ पे एनी वेज अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसके हेड का है मतलब हेड एज इन कैपिटल क्या है जैसे वहाँ पोर्ट ब्लेयर थी यहां पर कैपिटल इज कावरती कावरती इज इट्स कैपिटल कावरती इसकी कैपिटल है अब याद रखिएगा कई बार पूछते हैं कि भाई सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है तो सबसे बड़ा आइलैंड इज आंद्रोत ये हमेशा याद रखो दैट आंद्रोत इज द लार्जेस्ट आइलैंड यहां पे बिल्कुल हालांकि ज्यादा लोग रहते नहीं है बट स्टिल आंद्रोत के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए सो so, ये आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं कि जब भी मतलब हम, हम लोग लक्षदीप के बारे में पढ़ते हैं तो ट्राई टू स्टडी इट फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ लक्षदीप मैंने आपके लिए जो भी ये मटेरियल प्रिपेयर किया है आई प्रिपेयर इट ऑल फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द लक्षदीप बिकॉज देखो बाकी वेबसाइट्स के ऊपर यू विल फाइंड एम्बिगिटीज बट सबसे ऑथेंटिक साइट होती है गवर्नमेंट की मैं हमेशा एक ही बात आपको एडवाइस करता हूँ कि पढ़ाई अगर करनी है तो गवर्नमेंट की ही साइट से करिए फाइन सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वी कैन से अनद्रोथ ज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ये सबसे लार्जेस्ट है फाइन अब यहां पे बाकी चीजें चाहे आपको इसके बारे में पता हो या ना पता हो बट यूर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग किस तरह से हम लोग सबसे बड़े आइलैंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं समझ आ गया ये देखिए अंद्रोत आइलैंड आपको यहां पे दिख रहा होगा देख के पता चल जाता है कि सबसे बड़ा ही अंद्रोत अच्छा कैपिटल क्या है कावरत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षदीप सबसे बड़ा आइलैंड अंदर होता है तो यहाँ पे दोनों जगह पे बहुत एक्टिविटी होती है नीचे आपको देख रहा होगा मिनीकॉय आइलैंड है ये भी इसी का है मिनीकॉय फाइन सो so, पॉइंट यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आता है कि मिनीकॉय जो है वो सेपरेट हो जाता है सबसे किससे नाइन डिग्री चैनल तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नाइन डिग्री चैनल ये सो so, बीच में नाइन डिग्री चैनल निकलती है कोची से वैसे बोट्स भी चलती हैं यहाँ जाने के लिए सो so, याद रखिएगा नाइन डिग्री चैनल विच इज़ हेयर एट डिग्री चैनल इज सेपरेटिंग लक्षदीप एंड ऊपर इसके ऊपर क्या बनती है एट डिग्री चैनल बनती है, so सो तो तो ही है इस तरह से. समझ आ गया आइडिया पता चल गया होगा वॉट एग्जैक्टली इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस सो देखो जितनी भी चीज हम लोग पढ़ते हैं यू कैन ऑल अपलाई यू कैन अपलाईट सर्टली इन द एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट अडिंग इट ऐसे क्लियर क्योंकि मुझे आज भी याद है कई लोग कहते हैं सर ट्वेंटी फाइव आइलैंड से लक्षदीप है नो छत्तीस आइलैंड हम लोग मान के चलेंगे हमेशा यही एक प्रॉपर सोर्स है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे बिल्कुल समझ आ गया इतना क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे इन आइलैंड्स की बात करते हैं अभी कॉन्ट्रोवर्सीज में रहा है बहुत ज्यादा एंड दैट इज ऑल्सो रीजन इट इज गोइंग टू बी इन अ लॉट ऑफ न्यूज बहुत ज़्यादा इसको अट्रैक्शन मिलने वाली है इसीलिए हमें थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के चलना वी हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली चलिए क्लियर हो गया इतना सो so, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं आई थिंक आपको समझ ही गए होंगे ऑल दीज पॉइंट्स क्लियर बिल्कुल सो so, ये जो चैनल्स हैं इसको आप हमेशा समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ नाइन डिग्री चैनल है एट डिग्री चैनल है इनके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं फाइन सो so, यहाँ पे कभी भी हम लोग देखते हैं हाँ जी हाँ जी एट डिग्री चैनल बिल्कुल नीचे है जी इक्वेटर जीरो डिग्री की तरफ नीचे ही होगा सो आई कैन ट्राई टू शो ऑन द मैप वो उसके लिए वर्ल्ड मैप चाहिए होगा फाइन सो देखिए चैनल्स होते हैं लैटीट्यूड्स के हिसाब से हम लोग देखते हैं लैटीट्यूड्स के हिसाब से जैसे हम लोग बात करते हैं इंडियन ओशन के मैप की सो so, मैं कोशिश करूंगा कि इंडियन ओशन के मैप में मैं आपको ये चीज़ दिखा पाऊँ बट फिर वही बात आ जाती है यहाँ पे इट बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट द ओली रीजन इज की बहुत छोटा छोटा हो जाता है सब कुछ तो वो थोड़ा सा डिफिक्ट हो जाता है आई ट्राई टू शो यू दोलॉ सो यहाँ पर मैं आपको कोशिश करता हूँ ये दिखाने की कि कैसे ही चैनल्स का पूरा सिस्टम है हा बोलो कैन यू सी दैट ऑन द मैप सो ये मॉलडीवस है ये लक्षदीप है इसके बीच में अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज एट डिग्री चैनल फाइन सो एट डिग्री चैनल क्या करें लक्षदीप और मॉलडीवस को डिवाइड कर रहे हैं एंड ऑफकोर्स नाइन डिग्री चैनल ऊपर होगी इज दैट फाइन ये इंडियन ओशन का मैंने आपको मैप दिखा दिया है सो दिस इज एट डिग्री चैनल एवरी वन तो आप मैप में देख सकते हैं और थैंक यू सो मच थैंक यू एवरी वन एंड यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं नाइन डिग्री चैनल ऊपर है जो मिनी कॉय और उसको अलग कर रही है That's it. समझ आ गया इतना सो नाइन डिग्री चैनल ऊपर है एट डिग्री चैनल नीचे फिर धीरे धीरे जाके हम लोग जीरो डिग्री तक आ जाते हैं चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग

सब मर्ज भी हो जाते हैं सो so, एक थोड़ी सी ये दिक्कत है इनकी इसीलिए मतलब यू जस्ट नीड टू नो द लोकेशन दैट्स इट किसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे न्यू मूर आइलैंड की मैं बात कर रहा हूँ दैट क्लियर ऑल ऑफ यू सो कहीं ना कहीं आपको इन सभी पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है ये किसको बिलोंग करता है ये कई बार पूछा गया है सो ऑफकोर्स इट इज़ बिलोंगिंग टू इंडिया हम लोग यही चीज़ देखेंगे बिकॉज देखो इट इमर्ज इन बे ऑफ बंगाल जब भुला साइक्लोन आया था नाइनटीन सेवेंटी में और दो हज़ार दस में गायब हो गया तो सिर्फ चालीस साल के लिए आईलैंड आया फिर पानी में दोबारा चला गया तो एक तो प्रॉब्लम ये भी है इंडिया और बांग्लादेश दोनों क्लेम करते हैं लेकिन ये बेसिकली बिलोंग किसको करता है इंडिया को बिलोंग करता है क्योंकि कुल मिला के देखो फायदा तो किसी का भी नहीं है यहाँ पे सो so, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हाँ जी हाँ जी इन फैक्ट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो इंडियन फ्लैग वगैरह इसमें लगाया था बी एस एफ ने काफ़ी काम किया था और ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया पता होना चाहिए चलिए पम्बन आइलैंड की हम लोग बात करते हैं आपको पता होगा पम्बन आइलैंड यहाँ पे पूरा पैसेज है रामेश्वरम ये पम्बन आइलैंड फाइन सो ये बहुत ही बेहतरीन आइलैंड है गल्फ ऑफ फनार में है बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया पम्बन सो ये पम्बन आइलैंड जो है यहाँ पे आपने न्यूज़ वगैरह में कभी देखा होगा बहुत सुंदर ट्रेन वगैरह दिखाते हैं पम्बन आइलैंड वगैरह सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग बेसिकली कि ये रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट जो है रामेश्वरम ताल्लुक जो है उसके अंडर ये आता है फाइन इट्स अ वेरी नाइस आइलैंड और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है दैट अ लॉट ऑफ इज बेसिकली गोइंग बट स्टिल ये बहुत बेहतरीन हमारा एक आइलैंड माना जाता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ ताकि कभी एग्जाम में है तो आप बता सकें ना वी टॉक अबाउट अ वेरी नाइस आइलैंड दैट इज कच्चा थीबू आइलैंड अब देखिए ये कच्चा थीबू जो है ये जो आईलैंड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइलैंड की कहानी है कच्चा थीबू एंड यू गॉट टू अंडरस्टैंड इट नाइसली मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ला रहा हूँ ताकि वी कैन अंडरस्टैंड इट इन द बेस्ट वे कैन यू सी दैट मैप अब देखो हम लोग देखते हैं यहीं पर रामेश्वरम के थोड़ा सा ऊपर जाकर कच्चा थीबू आईलैंड है ऑफ श्योर आईलैंड है पार्क साइड पे नाउ द आईलैंड बेसिकली वॉज यूज बाई फिशरमैन टू ड्राई देयर नेट्स बहुत बढ़िया था ब्रिटिश रूल में तो इंडिया और श्रीलंका मिलकर इसको करते थे और इन अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी श्रीलंका क्लेम्ड ओनरशिप ओवर इट और 1974 में इंडिया ने क्या कर दिया इसको गिफ्ट कर दिया टू श्रीलंका एंड टू ईयर लेटर इंडिया ने अपने फिशिंग राइट्स भी यहाँ से छीन वापस ले लिए अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई आज अगर कोई हमारा फिशरमैन यहाँ जाता है तो उसको किडनैप कर लिया जाता है उसको कैप्चर कर लिया जाता है बिकॉज अब इंडिया ने क्या बोला है कि हमारा इस पर कोई भी अधिकार नहीं है तो ये समस्या है इंडिया ने गिफ्ट किया अच्छी इंटेंशन में इंदिरा गांधी ने गिफ्ट कर दिया लेकिन अब श्रीलंका इसके ऊपर अपना कब्जा जमाता है अपनी गुडविल नहीं दिखाता है दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम सो कच्चा थी वो आइलैंड आप देख सकते हैं यहाँ पे पाक स्टेट दिस इज अ प्रॉब्लम फिर से यही है कि फिशरमैन uh, जो है हमारे काफ़ी सफर करते हैं इन चीज़ों की वजह से क्लियर हो गया इतना सो so, these islands यू नो दे आर shrouded इन controversy ऑल द टाइम्स बट yes यू शुड हैव अ बेसिक idea कि किस तरह से आप इसको देख रहे हैं इज ऐट क्लियर ऑल ऑफ यू सो आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट होना चाहिए किसी प्रकार का आई हैव ट्राइड टू मेक everything very वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू कि आपको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए ये मैंने कोशिश यहाँ पे ज़रूर की है एंड आई रियली थिंक कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको समझ आ गए हो एंड वी आर हैविंग अ क्वेज एट एट पी एम ऑफ कोर्स मैं आठ बजे का जो क्वेज करूंगा वो तो करेंगे सिक्स मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स एटीन मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है एट अ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट एनी बडी हु ग्रेडअप सुपर सब्सक्रिप्शन फॉर दिस टाइम पीरियड कैन टेक इट और एट पी एम का जो क्वेज है उसके अंदर आई ऑल्सो की होमवर्क होमवर्क कैसे करना है होमवर्क यहीं पर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है जैसे आज मैंने दिखाया था कई लोगों ने किया था कल भी सो so, इज इट क्लियर कल और परसों तो आपकी क्लास नहीं है वेंसडे को क्लास होगी और ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक्स आपके सामने लाइन अप होने वाले है। so sure join, हैं सो मेक श्योर यू ऑल ज्वाइन यू ऑल अटेंड द एट पी एम कोज ऑन द ग्रेडअप एप ग्रेडअप के ऐप में होता है वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पर भी अपने लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल इज आकाश जी के बूस्टर ये दिस इज माई टेलीग्राम चैनल यू कैन श्योरली ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड इस सेशन को मैक्सिमम शेयर जरूर करिएगा विद ऑल द फ्रेंड्स आउट सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो दैट वॉट एग्जैक्टली आर वी डूंग क्या है तीस मार्क का सीरीज इसके बारे में सबको बताइए इट ओनली इज बेस्ड ऑन दिस रिस्पॉन्स दैट वी ब्रिंग मोर सीरीज लाइक दैट दिस नॉट फाइन सो प्ले लिस्ट बिल्कुल बना देंगे इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सी यू ऑल एट एट पी एम इन द क्वेस्ट